दोस्तों ये है कराची की सबसे ज्यादा वायरल और सेल होने वाली सी फूड के जायके वाली अनोखी झींगा बिरयानी और फिश बिरयानी। मतलब बिरयानी के लवर्स को अब मिल चुके हैं दो बहुत ही जबरदस्त न्यू फ्लेवर्स। इस सर्दी के मौसम में इस धुआं उड़ाते मजेदार और लजीज झींगा बिरयानी और फिश बिरयानी को लोग इतना ज्यादा पसंद कर रहे हैं कि खाने के लिए दूर दूर से आ रहे हैं, क्योंकि ना सिर्फ इसका जायका बहुत अच्छा है बल्कि इसकी प्राइस भी बहुत ज्यादा कम रखी गई है। तो ये जबरदस्त बिरयानी आपको दे रहे देसी फूड जहाँ पर आपको दीगर देसी आइटम भी मिल जाते हैं। तो फिर विंटर सीजन में बिरयानी लवर्स को इतनी मजेदार और सस्ती प्रॉन्स बिरयानी और फिश बिरयानी को खाना तो बनता है। दोस्तों आजकल कराची में एक बहुत जबरदस्त बिरयानी वायरल हो रही है जिसका नाम है झींगा बिरयानी और फिश बिरयानी। आजकल उसकी कराची में इतनी ज्यादा धूम मची हुई है कि लोग उसको दूर दूर से खाने के लिए आ रहे हैं और उसके जायके को इतना ज्यादा पसंद कर रहे हैं इस सर्दियों के मौसम में। तो आज मैं आया हूँ इस रेस्टोरेंट पे जहाँ पे मिलती है धूम मचाने वाली झींगा बिरयानी और फिश बिरयानी। तो आए मेरे साथ, हम सारी बलवा देखते हैं कि वाकई में टेस्ट इसका जबरदस्त है या नहीं, प्राइस क्या है, बनती किस है, सब बताऊंगा। आए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम फारूक भाई। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फारूक भाई कैसी तबीयत है आपकी? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा फारूक भाई, आपकी जो प्रॉन बिरयानी है वो छा गई कराची में? जी अल्हम्दुलिल्लाह छा गई। हमने भी बहुत ज्यादा तारीफ सुनी, हर बच्चा बच्चा तारीफ कर रहे हैं कि आपकी प्रॉन बिरयानी है और फिश बिरयानी लाजवाब है। तो आज हमने सोचा हम भी टेस्ट करें आके उसको। जी जी बिल्कुल, आइए आप ट्राई कराते हैं। ठीक है। अच्छा फारूक भाई, आप मुझे बताएं कि आखिर इसकी वजह क्या है, ये इतनी ज्यादा फेमस क्यों हो रही है? ये असल में यूनिक है, बहुत कम जगहों पे मिलती है झींगा बिरयानी और फिश बिरयानी। फिर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसमें जायका जो दिया है, उस जायके की वजह से लोग खींचे आ रहे हैं, आ जाते हैं, फिर कल आते हैं, फिर परसों, यानी कई कस्टमर्स ऐसे हैं हमारे जो रोजाना आकर ये झींगा बिरयानी कभी फिश बिरयानी खा रहे हैं, और ना सिर्फ कराची से बल्कि कराची के बाहर से भी लोग आ रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इसको पसंद किया। मैंने सुना है आपको अमेरिका जर्मनी वगैरह से भी कॉलें आ रही है इसके? जी जी, लोग कॉल करते हैं और यानी बस तरस रहे होते हैं कि आज कराची में होते तो हम ये खाते। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने तो यही सुना है कि बिरयानी सिर्फ कराची की अच्छी है, भले पूरे पाकिस्तान में देख ले या दुनिया में देख ले, बिरयानी सिर्फ कराची की अच्छी है। जी ऐसा ही है, ऐसा ही। और जब वो हो जाए देसी फूड की आपके हाथ की झींगा बिरयानी, तो फिर उसका जवाब ही अलग हो जाता है। अच्छा मुझे बताएं कि ये प्राइस क्या है इसकी? ये 1000 रुपए किलो है झींगा बिरयानी और फिश बिरयानी, दोनों 1000 रुपए किलो दे रहे हैं। ठीक है ठीक है, मतलब इसका जो मशहूर होने की वजह वो इसकी प्राइस भी बनती है, क्योंकि अगर कराची में कहीं पे भी मिलती होगी इस टाइप की सी फूड बिरयानी, उसके प्राइस बहुत ज्यादा हाई होंगे। बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा फारूक भाई, आपकी प्रॉन बिरयानी तो माशाल्लाह जबरदस्त है, फिश बिरयानी भी आगे पास मौजूद होती है? जी जी, फिश बिरयानी भी है हमारे पास, फिश बोनलेस बिरयानी। अच्छा मुझे बताएं कि दोनों बिरयानी बनने में कितना टाइम रहती है? ये तकरीबन 1 घंटा लगता है फिश बिरयानी और झींगा बिरयानी तैयार करने में। ठीक है, और ये आपको कैसे ख्याल आया कि इस टाइप की बिरयानी आपको बनानी चाहिए? भाई कमाल भाई, बस आपको देख के जज्बा उठता है कि कोई कमाल करना चाहिए माशाल्लाह, और ऐसा काम करें कि जो थोड़ा सा मुनफरिद हो। देखिए चिकन बिरयानी और नॉर्मली बीफ बिरयानी हर कोई बेच रहा होता, तो बस शुरू से ही ख्वाहिश है कि अच्छा खाएं और अच्छा खिलाएं, तो इसके तहत जो हम ये लेकर आए। और इस फील्ड में जो मैं आया हूँ, असल में मकसद ही ये था कि मैं अच्छा खाना पसंद करता था और मेरी ख्वाहिश थी कि मैं लोगों को अच्छा खिलाऊँ, और अच्छा खिलाने के लिए अच्छा बनाना ज़रूरी है। बिल्कुल। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसी समझ लें कि जज्बे के तहत हमने ये फिश बिरयानी और झींगा बिरयानी स्टार्ट लिए। जबरदस्त, मतलब जो ये आपका शौक और ये जज्बा था ये आपको यहाँ पर लेकर आ गया कि आप कराची में, आपको नाम से जाना चाहते हैं कि फारूक भाई की देसी फूड की झींगा बिरयानी और फिश बिरयानी माशाल्लाह से बहुत जबरदस्त होती है। अच्छा फारूक भाई, जो लोग आपके पास आ रहे हैं वो तो आपकी बिरयानी की बहुत ज़्यादा तारीफ कर रहे हैं, लेकिन जिन्होंने अभी तक नहीं खाई आप उनको लोकेशन बता दें कि वो कैसे आएंगे आपके पास? लोकेशन तो वही है कि अगर आप गुलशन इकबाल की तरफ से आते हैं तो इम्तियाज स्टोर आता है, फिर UBL कॉम्प्लेक्स आता है, उससे मजीद आगे अब्दुल्ला सेंटर और सगीर सेंटर के फ्लैट्स हैं, तो इसी गली में आप आ जाएँ तो लेफ्ट पर अब्दुल्ला सेंटर के नीचे हमारा देसी फूड मिल जाएगा, जो वाक़ है फेडरल बेरिया ब्लॉक 16 के अंदर। ठीक है, तो दोस्तों इनकी लोकेशन, कॉन्टैक्ट नंबर सब आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ताकि आप लोग यहाँ पे इजीली पहुँच सके। अच्छा फारूक भाई, ये जो बिरयानी की टाइमिंग है ये बताएं कब से कब तक मिलती है? तकरीबन सुबह 12:30-1 बजे से स्टार्ट हो जाती है और रात को तकरीबन जो है वो 11:30-12 बजे तक ये सिलसिला चलता रहता है। कराची की जो है मैंने तकरीबन 90% बिरयानियाँ खाई हैं, ये है कि मुझे ये सबसे अच्छी लगी, क्योंकि इसमें चीज़ नहीं आई ना, क्योंकि बिरयानी चिकन भी होती है, बीफ भी होती है, मटन भी होती है, लेकिन हर जगह झींगे की और फिश की बिरयानी नहीं मिलती, वो देसी फूड के ऊपर अवेलेबल है। तो मेरा यही आप लोगों को मशवरा है कि आगे ट्राई करें, इंशाल्लाह खुश होकर जाएंगे आप लोग, टेस्ट इसका अच्छा है और पैसे ही मुनासिब है। मैं देसी फूड पे आया हूँ, मैंने यहाँ क्रॉम बिरयानी, फिश बिरयानी, झींगा और बीफ बिरयानी सब टेस्ट किए, इनका जायका बहुत आला है, बहुत मज़ा आया खाने में। अभी हम फिश बिरयानी खा रहे हैं जिसका जायका बहुत अच्छा है, और हम झींगा बिरयानी खा चुके हैं।
सबसे मजे की बात इनकी ये है कि इनका टेस्ट तो बहुत ऊपर है और रेट में भी मुनासिब है, बहुत रीजनेबल प्राइस है। तो दोस्तों हमारी देसी फूड की सबसे ज्यादा वायरल होने वाली, जो कि आजकल कराची में लोग इसको बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं, वो वाली प्रॉन्स और फिश बिरयानी आ चुकी है और इसमें से जो स्टीम उठ रही है वाकई में बहुत लाजवाब है। जितने लोग आए इसको तारीफ कर रहे हैं तो वाकई में मुझे तो लग रहा है कि वाकई में तारीफ के काबिल है, क्योंकि इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा लजीज है और इसकी जो मैंने मेकिंग देखी वो भी मुझे बहुत अच्छी लगी। तो बिना रुके मैं टेस्ट करता हूँ और आपको बताते हैं ये जायके में कैसी है। सबसे पहले मैं टेस्ट करूंगा जो इनकी प्रॉन्स बिरयानी है, उसको स्पून को फुल्ली लोड करके इसको हम टेस्ट करेंगे ताकि अच्छे से भरपूर जायके आए चम्मच में। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमान के साथ दोस्तों, देसी फूड की ये प्रॉन बिरयानी मैंने सिर्फ इसकी अभी पहले ही स्पून टेस्ट करी है, लेकिन मुझे समझ में आई है कि लोग इसकी इतनी ज़्यादा तारीफ क्यों करें, क्योंकि जो इसका फ्लेवर है वो वाकई में बहुत ज़बरदस्त है। इसके स्पाइसेस बहुत अच्छे हैं और जो खास तौर पर प्रॉन्स का टेस्ट है वो राइस में और मसालों में बहुत अच्छे तरीके से आ रहा है। जब आप इसकी पहली बाइट लेंगे चाहे वो राइस के लिए, तो आपको उसमें भरपूर तरीके से प्रॉन्स का फ्लेवर आएगा। तो आजकल सर्दियों का मौसम भी, और सर्दी के मौसम में प्रॉन बिरयानी आपको वाकई में लाजवाब लगेगी। मुझे इसकी सबसे अच्छी बात ये लगी है कि कराची में हो सकता है दूसरी जगह पर भी आपको प्रॉन बिरयानी मिल जाए, लेकिन ये टेस्ट में बहुत अच्छी है। लेकिन खासतौर पर इसकी बात जो है वो इसकी प्राइस बहुत मुनासिब है, इसी वजह से लोग इसको इतना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। अब मैं टेस्ट करता हूँ जो इनकी फिश बिरयानी है उसको। सी फूड बिरयानी मैंने कराची में फर्स्ट टाइम लॉन्च होती हुई देखी है कि लोग उसको इतना ज़्यादा पसंद भी कर रहे हैं, तो इसको भी टेस्ट करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमान के साथ। देसी फूड की इनकी सी फूड बिरयानी चाहे वो फिश की है या प्रॉन्स की, वाकई में बहुत लाजवाब है। फिश का फ्लेवर बहुत अच्छा आ रहा है और राइस में बहुत अच्छे तरीके से पका हुआ है, और जब आप इसको खाएंगे तो फिश की बिरयानी में आपको अलग ही फिश का बहुत अच्छा सा फ्लेवर आएगा, और प्रॉन्स बिरयानी प्रॉन्स का मतलब दोनों ही कहने को तो बिरयानी है लेकिन टेस्ट में दोनों ही आपस में काफ़ी डिफरेंट है। सर्दी का मौसम है और इस मौसम में फिश और झींगे की बारिश हो जाए इतने ज़बरदस्त क्वांटिटी में, तो वाकई में आपका मज़ा बहुत दुबाला हो जाएगा। तो मेरा देसी फूड की इस प्रॉन बिरयानी और फिश बिरयानी पर आपको व्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए कमेंट करके, ताकि मैं आपके लिए ऐसे और भी अच्छे अच्छे मज़ेदार किस्म के व्लॉग लेकर आता रहूं जिनकी प्राइस भी बहुत ज़्यादा मुनासिब होगी और टेस्ट लाजवाब होगा। तो फिर आज के व्लॉग इधर ही एंड करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।